इम्पॉर्टेंट इवेंट है कल, जो कुशल भी बता रहे थे, जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू हो रही है। 2 दिवसीय जीएसटी काउंसिल बैठक है, कुछ रेट्स में बदलाव हो सकते हैं ऐसी खबरें आ रही हैं, कुछ और एरियाज हैं जहां पर नई दरें लागू हो सकती हैं। आइए समझते हैं कल की बैठक से पहले क्या क्या है एजेंडा पर, क्या क्या हो सकता है। हमारे संवाददाता तरुण है तैयार। तरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं क्या है कल की बैठक के इम्पोर्टेंट मुद्दे। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि 6 महीने बाद जीएसटी काउंसिल एक बार फिर मिलने जा रहा है और इस बैठक में भारी भरकम मुद्दे हैं जिस पर कल 2 दिन जीएसटी काउंसिल डिस्कशन करेगा। एक तो सबसे पहले जो जीएम की एक रिपोर्ट आई थी कि कैसीनो या जो हॉर्स ट्रेडिंग जो होती है उसमें किस तरीके की जीएसटी रेट लगाए जाए, वो एक रिपोर्ट सबमिट हुई थी। उस रिपोर्ट को अब इस जीएसटी काउंसिल हो सकता है कि मंजूरी दे दे, तो जो अभी 18% कैसिनो पे जीएसटी लगता है उसको 28% कर दिया जाएगा। लेकिन जो टैक्स लगाने का तरीका है उसको जरूर बदला जाएगा। जब आप पहली बार कूपन लेते हैं तो आपको वहीं पे 28% देना होगा, बार बार जो यदि आप कोई वहाँ पे शर्त जीतते हैं तो उस पर आपको 28% नहीं देना होगा, जो कि एक डिमांड थी कि आप इनिशियल लेवल पे यदि आप टैक्स बढ़ा रहे हैं तो केवल आप इनिशियल लेवल पे बढ़ाइए। साथ ही स्टेट्स की एक डिमांड रहेगी, जो कंपनसेशन 30 जून को खत्म हो रहा है, 5 साल पूरे हो रहे हैं जीएसटी को कि जो लेकिन स्टेट्स का मानना है कि 2 साल कोविड में चले गए तो जो कंपनसेशन जीएसटी का जो सेंटर देती है उसको और बढ़ाया जाए, करीबन 3 से 5 साल उसको कंपनसेशन की मियाद को बढ़ाया जाए। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं इस पे सहमति बन पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी जो सरकार ने सेस जीएसटी काउंसिल से पहले 2 साल बढ़ा दिया है। ये एक बड़ा डिस्कशन जीएसटी काउंसिल में होना है। साथ ही कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे जीएसटी बढ़ सकता है, जैसे टेट्रापैक है 12% से 18% हो सकता है, रोपवे ट्रैवल है उसमें टैक्स कम हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर यदि आप बिजनेस ट्रैवल कर रहे हैं तो जो अभी जीएसटी से बाहर थे तो वो जीएसटी के अंदर आ सकते हैं, रेगुलेटर्स जो हैं आरबीआई सेबी की कई ऐसी सर्विसेज थी जो जीएसटी से बाहर थी उनको जीएसटी का बेनिफिट मिलता था वो बेनिफिट हटाया जा सकता है। तो इस तरीके के कई ऐसे मुद्दे हैं जो अगले 2 दिन में डिस्कस होंगे। चंडीगढ़ में ये मीटिंग हो रही है और आज 3 बजे से जीएसटी ऑफिसर्स की मीटिंग है जो डिसाइड करेंगे कि कल हमें क्या क्या डिस्कस करना है, किस तरीके से फ्लो रहेगा, इस पे आज चर्चा 3 बजे से होनी है। ओके, तो ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट खबरें जीएसटी को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तरुण, और ये सारी खबरें बताने के लिए।